पटना के फुलवारी शरीफ स्थित ऊपरपुरा सबरी नगर में सोमवार की रात अपराधियों ने इंडिगो एयरक्राफ्ट इंजीनियर के घर में घुसकर जमकर लूटपाट किया। विरोध करने पर अपराधियों ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर की नानी मंती झा और मां पूनम झा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में इंजीनियर की नानी मंती झा की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि उनकी मां पूनम झा को अस्पताल में भर्ती किया गया जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने पूरे घर को सील कर एसएफएल टीम से जांच शुरू कर दी है। जी विभास चंद्र झा। अच्छा, क्या घटना हुआ है? घटना दो लेडीज का, एक लेडीज का तो स्पॉट डेथ हो गया है जी। एक लेडीज का पूरा पीछे माथा में घायल है, उसको पारस हॉस्पिटल सर लेके गए हुए हैं। और घर में लूटपाट हुई है, कुछ पता चला है? नहीं, लूटपाट का तो घटना नहीं तो पता चला, नहीं चल रहा है। घर में दो ही महिला थी है ना? हाँ, दो ही महिला थी। विभास चंद्र झा जी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। हाँ, पटना में? हाँ, पटना में। और उनका बेटा? गुड़गांव में। क्या है बेटा, वहाँ क्या काम करते हैं? इंडिगो एयर का इंजीनियर है, इंडिगो जहाज का। क्या नाम हुआ आपका? जयराम तिवारी। आप इनके यहाँ काम करते हैं? हाँ, ओपन पूरा गांव है, उसे पश्चिम जो है गुमटी है, गुमटी से कुछ पहले जो है सब पूरा भी एरिया में एक झा जी का मकान है, विभास चंद्र झा नाम है उनका। उनके घर में घटना घटी है, दो महिलाएं थी, एक उनकी सास थी और एक उनकी वाइफ है। तो सास को सुदेत कर गई है, उनकी उम्र 70 साल है और वाइफ को जो है जख्मी है, जिसको पारस में अस्पताल में ले जाया गया है। घटनाक्रम से अभी तक अटक नहीं हो पाए हैं। सुबह में एफएसएल की टीम आएगी और उसको गहराई से जाँच करेगी।